अभी एक्सरसाइज 3.2 है। तो बेटा देखिए इसका ना ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये फर्स्ट पार्ट है कि 2x - 3x2 इज इक्वल टू 5 और फिर ये 5x1 और प्लस x2 इज इक्वल टू 4 है। बेटा ये दो इक्वेशंस है, आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैट्रिसेस को सॉल्व करने के दो रूल होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स मेथड, एक होता है क्रैमर रूल। तो आपको मैं दोनों सिखा देता हूँ, ठीक है। आपने ये 9th में भी वैसे पढ़े हुए हैं, तो पहला मैट्रिक्स मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला है मैट्रिक्स मेथड। ये आपके पास इक्वेशंस हैं 2x गिवन इक्वेशंस आर 2x - 1 - 3x2 इज इक्वल टू 5 और फिर ये 5x1 + x2 इज इक्वल टू 4। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके ना मैट्रिसेस बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे द अबव इक्वेशंस, द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। पहले हम इनके तीन मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहला मैट्रिक्स जो बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स के कोफिशियंट है, जैसे यहाँ पर x1 का कोफिशियंट 2 है और x2 का कोफिशियंट -3 है। हम क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ के कोफिशियंट का मैट्रिक्स, देखिए x1 कोफिशियंट 2, फिर x1 का कोफिशियंट 5, फिर x2 का कोफिशियंट -3 और x2 का कोफिशियंट 1। तो पहला मैट्रिक्स ये आ गया इनके कोफिशियंट का सेट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, x1 है दूसरा x2 है। कुछ में ही नहीं, कुछ क्वेश्चन में x1 और x2 की जगह पे xy भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, yz भी हो सकते हैं, t वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पहला जो मैट्रिक्स है वो बनेगा इनके कोफिशियंट्स का, दूसरा मैट्रिक्स बनेगा इनके वेरिएबल्स का। तो ये आ जाएगा x1 और x2 और इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट यहाँ पे 5 और 4 है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है, तीन मैट्रिक्स बन गए, पहला कोफिशियंट्स का, दूसरा वेरिएबल का, तीसरा कॉन्स्टेंट का। अब आप इनको सपोज लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट हम करेंगे जो पहला मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स ए, किसको सपोज कर लेंगे, ए 2, 5 - 3 और 1। वेरिएबल्स को कर लेंगे कैपिटल एक्स, x1 और x2, और जो कांस्टेंट है इनको सपोज कर लेंगे बी 5 और 4। यानी क्या कर लिया, पहले मैट्रिक्स को ए, वेरिएबल्स को कैपिटल एक्स और कांस्टेंट को कैपिटल बी। यानी याद रखिएगा कि मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए आप ये यूं लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। ए आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, अभी ये एक्स है, ये बी है, तो दोबारा यही फॉर्म आ जाएगी। देखिए अगर आप इसको देखना चाहेंगे ना, देखिए ये दोबारा ये जो पूरी फॉर्म है, ये जो है यही पूरी आ जाएगी, जो है ना ए एक्स इज इक्वल टू बी है। और यहां से फिर हम क्या करते हैं, देखिए एक्स को यही रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये कहलाता है मैट्रिक्स मेथड, एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी। अब बेटा देखिए इसमें हमारे पास एक्स आपके पास है x1 x2, बी आपके पास है 5 और 4, आपको सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। तो आपने याद रखना कि वी नो दैट जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। बेटा बात आ रही है समझ में? जी सर आ रही है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है।
पर ये लगेंगे फोर ए मोल, उसकी वजह ये हो कि हमेशा पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, कई दफा डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है, तो जब जीरो आता है तो नीचे जीरो तो आंसर इन्फिनिटी आया था, तो इन्हीं सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पहले ए मोड निकालेंगे, तो देयरफॉर देखें मैट्रिक्स को बना देंगे, डिटरमिनेंट ये आ जाएगा ए मोड, और ये आपका देखें 2 5 2 5 और -3 और 1 -3 और 1, तो ये आ गया डिटरमिनेंट। ठीक है, अच्छा बेटा डिटरमिनेंट में याद रखिएगा, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये हो ना, एक ये हो जैसे कि मैट्रिक्स ये आपके पास है ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी, अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालें यहाँ पे ए मोड ए बी सी और डी, ए डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हैं, देखिए कि ए और डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इस डायगनल पर, यानी ए मल्टीप्लाई बाय डी, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और बी और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी और सी, ये डिटरमिनेंट इस तरह निकालते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर ए मोड जीरो आ जाए, किसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, से कहते हैं सिंगुलर, अगर ए मोड नॉट जीरो आए तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर, ये आगे 3.3 इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी कि आपको बताना होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा नॉन सिंगुलर कौन सा है, अगर ए मोड नॉट जीरो आए तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर। अब बेटा देखिए जब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, ए मोड इज टू मल्टीप्लाई बाय वन, दरमियान में नेगेटिव है, फाइव मल्टीप्लाई बाय -3, ए मोड आ गया देखिए 2 1 2, और ये माइनस माइनस प्लस 5 3 15, ए मोड आपके पास देखिए आ जाएगा 17, ये नॉट इक्वल टू जीरो नॉन सिंगुलर है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, अगर तो ए मोड जीरो आ गया तो फिर आप देखते हैं कि सिंस ए मोड इज जीरो देयरफॉर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आ गया ए मोड। अब आपने निकाला है जॉइंट ऑफ ए, अब हम यहां लिखेंगे नाउ जॉइंट ऑफ ए। अच्छा बेटा ये भी आप याद रखिएगा जॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए ये है, ए बी सी और डी है, ये मैट्रिक्स है और आपने इसका एडजॉइंट निकालना है, तो बेटा एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, आपने याद रखना सिंपल, तो जो पहला डायगनल है इनके करते हैं प्लेसेस चेंज, जो पहला डायगनल है इसके करेंगे प्लेसेस चेंज, यानी ए और डी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और दूसरे डायगनल के साइन चेंज, यानी क्या हो जाएगा देखिए डी और ये -C, ठीक है, और ये हो जाएगा -B और ये ए, तो ये आपने याद रखना है एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं कि जो पहला डायगनल से कहते हैं हम लोग प्राइमरी डायगनल, इसकी प्लेसेस चेंज होते हैं और दूसरे डायगनल के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास देखिए इसका पे अपने जॉइंट निकाला, तो यहाँ लिखेंगे सिंस मैट्रिक्स ये आपके पास ये था 2 5 और -3 और 1 था। ठीक है, तो अब आपने देखिए इसका निकालना है एडजॉइंट, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए पहले डायगनल के प्लेसेस चेंज, तो यहाँ आ जाएगा 1, और दूसरे डायगनल के साइन चेंज, तो ये जाएगा +3 और ये -5 और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास देखिए आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब देयरफॉर आप इनवर्स निकाल लेंगे, therefore equation 2 implies that a inverse था, वो था adjoint of a over determinant of a, adjoint आपने ये निकाला है 1 -5 3 और 2, और adjoint आपने निकाला है 17, sorry determinant निकाला आपने 17, a inverse आपके पास आ जाएगा। अच्छा बेटा याद रखिए अगर देखिए यहाँ पे determinant आ गया 17, अगर मैट्रिक्स में नंबर ऐसे होते कि कैंसिल हो रहे होते फिर तो आप इसको सबसे डिवाइड कर देंगे, अब ये कैंसिल नहीं हो रहे तो इसको आप जो सेपरेट लिखते हैं 1/17, इससे थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है 1 -5 3 और 2।
ये आपके पास आ गया इनवर्स। ठीक है, अब ये ए इनवर्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहां पर, ये जो इक्वेशन वन है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम यहां लिखेंगे नाउ पुट इनवर्स इन इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए देयर फॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट, देखिए क्या थी कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स तो आपके पास है एक्स वन एक्स टू, उसके बाद ए इनवर्स आपने ये फाइंड कर लिया 1/17 और 1 - 5 3/2, और आगे आपका बी था ठीक है, और बी आपके पास है 5/4, तो ये आ गया बी 5/4। अब आप इनको मल्टीप्लाई करना है ठीक है, तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये अब आपको सिखाता हूँ। ये एक्स वन और ये एक्स टू ऐसे ही आ गया, तो ये 1/17। बेटा अब आपने क्या करना है कि पहले आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम से, और फर्स्ट नंबर विद फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर विद सेकंड नंबर। तो पहले वन को करेंगे फाइव से, तो 5 1 द 5, और थ्री को करेंगे 4 3 4 द 12। अगर यहाँ पर एक कॉलम और होता फिर हम उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे कॉलम नहीं है इस वजह से इसको यहीं तक छोड़ देंगे ठीक है। अब बारी है सेकंड रो की, अब सेकंड रो को जब करेंगे देखें, अब सेकंड रो को करेंगे आप इसी कॉलम से ठीक है, इसी कॉलम से, तो देखें ये 5 5 - 5 - 25 और 2 4 द 8, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वन और एक्स टू, तो ये 1/17 और 12/5 हो जाएगा 17, और -25 में से 8 गया तो -17। अब आप ये 17 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है, 1/17 को, तो ये एक्स वन ये एक्स टू, अब ये 1/17 मल्टीप्लाई बाय 17, और ये भी 1/17 मल्टीप्लाई बाय 17। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 17 से 17 कैंसिल, ये 17 17 कैंसिल, 1 आ जाएगा ठीक है यहाँ पर। अब आपके पास देखिए आ जाएगा एक्स वन और एक्स टू इज इक्वल टू 1 ठीक है, और ये आपके पास क्या था -17 था, तो ये आ जाएगा देखिए आपके पास माइनस, ये तो प्लस है सॉरी, ठीक है तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1। अब जो मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती है कि जब इक्वल हो तो आप एक्स वन हो जाएगा 1 के बराबर, एक्स टू माइनस, तो यहाँ लिख भी सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू 1 और एक्स टू इज इक्वल टू -1, और हेंस सॉल्यूशन सेट आप इतना लिख सकते हैं एक्स वन कॉमा एक्स टू -1 और प्लस 1, बेटा ये आपका रिजल्ट आ गया। ये कहता है मैट्रिक्स मेथड, क्या कहलाता है मैट्रिक्स मेथड ठीक है। अगर आप इसको चेक भी करना चाहे चेक भी कर सकते हैं आंसर ठीक है या गलत है। तो देखिए ये दो इक्वेशन है किसी एक इक्वेशन में, देखिए जैसे ये पहली इक्वेशन है 2x1 और -3x2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए 2x1 की जगह हम पुट कर सकते हैं -5, तो -3x2, x2 आपके पास क्या है +1 है, ठीक है एक्स वन आपके पास सॉरी +1 है ठीक है, ये लो ठीक है, और एक्स टू आपके पास कितना है ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया 2x1, एक मिनट आंसर सही निकाले हैं। एक्स वन आपके पास 1 है और एक्स टू सॉरी
एक्स वन आपके पास ये सूचे सेट पहले लिख दिया ना, सर पहले 1 आना है, उसके बाद -1 आना है। ये माइनस वन, वही ना मैं कह रहा हूँ। एक्स वन देखिए, जब हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, जब ये 2x1, एक्स वन आपके पास अब 1 है, -3x2 -1 इज इक्वल टू 5। ये 2 1 2 -1 +3 और ये 5, तो 5 इज इक्वल टू 5, तो ये आपका आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके पास मैट्रिक्स मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे क्रैमर रूल से। ठीक है, अब क्रैमर रूल करवा रहा हूँ, आपकी मर्जी, एग्जाम में आप जो भी करना चाहें, अगर मेंशन ना हो तो ज्यादा, वैसे क्रैमर रूल इजी है। अब क्रैमर रूल, अच्छा यही क्वेश्चन जो है ना, आप 3.5 है, उसमें मैट्रिसेस 3 बाय 3 है, यानी 3 रोज 3 कॉलम है, तो ये आपको कल सिखाऊंगा। ठीक है, अब बेटा देखिए क्रैमर रूल, यही क्वेश्चन आपके पास है कि 2x1 और -3x2 इज इक्वल टू 5 और 5x1 और +x2 इज इक्वल टू 4। हम सॉल्यूशन करते हैं, -3x2 इज इक्वल टू 5 और ये 5x1 +x2 इज इक्वल टू 4। अच्छा बेटा देखिए, मैं x1 और x2 की वैल्यू चाहिए क्रैमर रूल से ना, तो अब आपने बेटा याद रखना, जो क्रैमर रूल में क्या होता है, जो x1 होता है कि वी नो दैट जो x1 है, ये हो जाएगा a1 mod over a mod, और जो y है, जो x2 है, ये हो जाएगा a2 determinant over a mod। यानी हमें एक तो a determinant चाहिए, दूसरा a1 चाहिए, दूसरा a2 चाहिए। a पहले हम a mod निकालते हैं, फिर a1 a2 कैसे निकालना है ये आपको सिखाना है। ठीक है, तो x1 हो जाएगा a1 over a mod और x2 हो जाएगा a2 determinant over a determinant। ठीक है, और अगर यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वाई होगा, तो यहाँ पहले एक्स हो जाएगा, दूसरा वाई हो जाएगा। अब पहले हम यहाँ लिखेंगे, पहले फॉर ए मॉड, पहले फॉर ए मॉड, तो ए मॉड के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट, तो हम पहले निकाल चुके थे कि जो इनके जो कोफिशियंट्स होते हैं, x1 का कोफिशियंट 2 है, जबकि यहाँ पर 5 है, और फिर ये -3 और फिर यहाँ पर 1 है, तो ए मोड आपके पास देखिए आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में नेगेटिव साइन, और 5 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ए मोड आपके पास आ जाएगा 2 1 द 2 और माइनस माइनस प्लस, 5 3 द 15, ए मोड आ गया 17, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा बेटा देखिए, ये आपके पास आ गया ए मोड ना, अब आपने निकालना है a1 mod। तो बेटा a1 mod के लिए क्या करते हैं, सिंपल, कि जो x1 के कोफिशियंट हैं, इसके बजाय हम ये कॉन्स्टेंट को रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फॉर a1 mod, तो लेट जो a1 mod है, क्या करेंगे दोबारा सुन लेंगे, जो एक्स के कोफिशियंट है, इन एक्स के कोफिशियंट को जो ना, जो एक्स के कोफिशियंट है ये वाले, जो x1 के कोफिशियंट है, इनको हम रिप्लेस कर देंगे ये कांस्टेंट से 5 और 4 से। देखिए ये हमने रिप्लेस कर दिया 5 और 4, और दूसरा x2 के कोफिशियंट वैसे ही आ जाएंगे -3 और 2, -3 और 1। बेटा ये बात आई समझ में, जी सर आ गई है। a1 मोड के लिए जो x x1 के कोफिशिएंट, उसके बजाय ये कांस्टेंट के रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो a1 मोड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में नेगेटिव साइन, और 4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये 5 1 द 5 और माइनस माइनस प्लस, 4 3 द 12, a1 मोड आपके पास ये आ जाएगा 17। अब हमने निकाला फॉर a2 mod,
लेट ए टू। अच्छा बेटा, अब ए टू के लिए हमने सिंपल क्या करना है कि जो एक्स टू के कोफिशियंट है उनके बजाय ये कांस्टेंट रिप्लेस कर देंगे। एक्स टू के कोफिशियंट है ना, उसके बजाय हम रिप्लेस कर देंगे फाइव और फोर, ठीक है, जो एक्स टू के कोफिशियंट है। अब देखिए पहला तो ऐसे ही आ जाएगा, यानी एक्स वन के कोफिशियंट टू और फाइव आ जाएंगे और जो कॉन्स्टेंट है वो फाइव और फोर ही आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए टू आपके पास आ जाएगा, ए टू इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय फोर, अब यहाँ में नेगेटिव साइन, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, ये टू फोर द एट और फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव, ए टू आपके पास ये आ जाएगा माइनस सेवनटीन। अब हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, देयर फोर देखें, देयर फोर जो पहले एक्स है तो एक्स वन, तो वी नो दैट एक्स वन बराबर था ए वन डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट हमने सेवनटीन निकाला है और ए मोड भी सेवनटीन निकाला है, तो ये कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा वन, ठीक है, ए डिटरमिनेंट आपके एक्स वन आपके पास आ गया वन। उसके बाद एक्स टू बराबर है, वी नो दैट एक्स टू ए टू डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट, एक्स टू हमने सेवन माइनस सेवनटीन निकाला है और ए मोड सेवनटीन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस। अब आप लिख सकते हैं हैंस एक्स वन आ जाएगा वन और एक्स टू आ जाएगा माइनस वन, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो ये है क्रैमर्स रूल। अब आपने इसके ये बाकी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर थ्री के बाकी पार्ट कर लेना टू और थ्री, ठीक है? जी सर, कर लूंगी, ठीक है। अच्छा बाकी बेटा देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर नाइन है वो आसान से आपको मैं हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर नाइन देखो, तो भी आसान सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन आपके पास है, बेटा सॉल्व द फॉलोइंग मैट, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए, यानी आपने मैट्रिक्स ए सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन ये है कि फोर टू थ्री टू, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए आपने फाइंड करना है, फिर माइनस टू माइनस वन थ्री माइनस टू और इज इक्वल टू आपके पास है माइनस वन थ्री माइनस फोर और सिक्स। बट आपने ये जो ना मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, पहले मैट्रिक्स है फिर ये ए दे दिया है, फिर माइनस है, फिर ये एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू माइनस वन थ्री माइनस फोर और सिक्स। आप यहाँ अपनी आसानी के लिए क्या करें, इसको करो मैं लेट, तो मैट्रिक्स ए सपोज कर लेते हैं हम लोग ए बी सी और डी, यानी बेसिकली हमें ए बी सी और डी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देखें देयर फोर ये आपके पास आ जाएगा फोर टू थ्री टू, यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स ए बी सी और डी, और ये माइनस टू माइनस वन थ्री माइनस टू और इज इक्वल टू माइनस वन थ्री माइनस फोर और सिक्स। अब बेटा इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई का आपको हमने बताया कि पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, कि पहले मैट्रिक्स पहले फर्स्ट रो को कर देंगे फर्स्ट कॉलम से, इसी भी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से थोड़ा गैप देने के बाद, ताकि पहले फोर को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सूत्र आ जाएगा फोर ए, फिर थ्री को करेंगे बी से थ्री बी, अब थोड़ा गैप देंगे इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो फोर सी और फिर थ्री डी। अब बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम से टू इंटू ए टू ए, फर्स्ट नंबर फर्स्ट से और सेकंड नंबर सेकंड से टू बी,
अब बार ये सेकंड रो की सेकंड कॉलम से आ जाएगा 2c और प्लस 2d, और ये माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 3 -4 और 6। अच्छा अब बेटा कर देंगे माइनस। अच्छा प्लस माइनस में क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस या माइनस हो सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आमने सामने। अब देखें ये आ जाएगा, देखिए 4a+3b, इसके सामने क्या -2 है तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, फिर ये 2a+2b, इसके सामने -1 तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4c और प्लस 3d है, इसमें हो जाएगा -3 माइनस। उसके बाद देखिए आपके पास है 2c प्लस 2d और इसमें है -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 ये आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा -1 3 -4 और 6। अच्छा बेटा आप देखिए ये दो मैट्रिसेस बन गए, ठीक है, ये इक्वल मैट्रिसेस है। तो इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आमने सामने जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बाय द डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, तो क्या हो जाएगा देखें कि 4a+3b -2 ये बराबर हो जाएगा -1 के। ठीक है, इसको सिंपलीफाई भी कर लेते हैं, 4a+3b और 2 को वहां ले जाएं, -1 प्लस 2 ये आपके पास आ जाएगा 4a+3b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या हो जाएगा ऑल्सो, अब देखिए 2a+2b+1 ये हो जाएगा 3 के बराबर, और ये भी देखिए 2a+2b 1 को वहां जाके माइनस करते, 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2, और यहां से 2 कॉमन भी ले ले, a+b इज इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन a+b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो अब देखिए जो थर्ड है, ये 4c+3d-3 इज इक्वल टू -4, और 3 को वहां जाके प्लस करते हैं, 4c+3d तो 3 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो -4+3 प्लस अपना सॉरी -1, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4c ठीक है, तो 4c फोर सी प्लस 3d इज इक्वल टू, देखिए जो 4c+3d इज इक्वल टू -1, ये क्वेश्चन नंबर 3। और जो चौथी ऑल्सो अवर 2c+2d इज इक्वल टू 6, ऑल्सो टू देखें ये है 2c+2d+2 इज इक्वल टू 6, तो 2c+2d। ठीक है, 2c+2d+2 इज इक्वल टू 6।
और देखिए ये 2c + 2d इज इक्वल टू 6, में से 2 गए तो 4, और यहाँ से 2 कॉमन ले लें, c + d इज इक्वल टू 4, और फिर देखिए 2 × 2 = 4, ये इक्वेशन आपके पास बन गई c + d इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 4। बेटा देखिए ये चार इक्वेशंस बन गई हैं। पहली इक्वेशन देखिए आपके पास ये है, पहली इक्वेशन आपके पास देखें ये है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है, फिर आपके पास तीसरी इक्वेशन ये है, और जो चौथी इक्वेशन आपके पास ये वाली है, अब देखिए आप अपने सिंपल क्या करना है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 अपना 4 से, और 1 में से माइनस कर दें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, या इक्वेशन नंबर 2 को करते हैं b से 3 से मल्टीप्लाई और 1 में से माइनस कर दें, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि बाय सब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, तो 1 आप ऊपर लिखे देंगे, 4a + 3b इज इक्वल टू 1, और 2 को मल्टीप्लाई करें किससे, 3 से, ठीक है, तो 2 आपके पास ये है, तो 2 इंप्लाइज दैट देखिए 3 से मल्टीप्लाई है, तो याद रखना 3a + 3b इज इक्वल टू 3, ये साइन चेंज कर देंगे, हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, तो और ये भी माइनस, तो देखिए 3b से 3b कैंसिल, 4a में से 3a का तो a आ जाएगा, और -3 + 1 - 2। बेटा बात आ रही है समझ में? जी सर आ रही है। अब ये a की वैल्यू 2 में पुट कर देते हो आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, a + b 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे पुट a = -2a, इक्वेशन नंबर 2, वो a + b था, a आ गया -2, 2 इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू आपके पास क्या था, 1 था, ठीक है, ये रहा, और ये a + b इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से देखिए आपका b आ जाएगा 2, या नेगेटिव आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 b आ जाएगा 3। a और b आ गया है, अब आपने देखिए क्या करना है, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने सिंपल यही करना है कि इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और 3 में से माइनस करते हैं, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, c आ जाएगा, c किसी में रख के a निकाल लीजिएगा, ठीक है, और फिर आप मैट्रिक्स a जो हमने लेट किया हुआ था ये रहा a b c और d, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आगे कर लेंगे आप? जी सर कर लूंगी मैं। चलिए ठीक है, बाकी भी इंशाल्लाह ना कल 3.3 करेंगे, वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। सर आपको कुछ पता है फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट होनी है एकेडमी में? बेटा कुछ पता नहीं, अभी तो गवर्नमेंट ने कहा ना कि 6 जून तक बंद कर दी ना इस्लामाबाद में, तो आप देखें। जी जी सर ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।